हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय YouTube चैनल। सो हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे कल के सेशन के लिए। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि फ्राइडे का लो अगर टूटेगा तो एक एग्रेसिव सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। मैंने भी पहले मॉर्निंग में थोड़ा पुट सेल करने की कोशिश की, लेकिन मेरा लेवल ट्रिगर ही नहीं हुआ। 150 के नीचे मुझे सेल करना था और 200 के आसपास प्राइस था। मेरा पुट सेल का जो ट्रेड था वो ट्रिगर नहीं हुआ, और जब 14,900 के नीचे जाने लगा तब मैंने भी कुछ निफ्टी के कॉल सेल किए और बैंक निफ्टी में भी 35,000 के कुछ कॉल सेल किए। इंट्राडे में ओवरऑल काफी अच्छा प्रॉफिट आया क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोग फॉलो करते हैं। सेकंड हाफ में जब रिकवरी आई तब हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। सो ओवरऑल इंट्राडे में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब हम लोग एनालिसिस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला भी था कि अब थोड़ा वोलेटिलिटी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, और आप देख सकते हो ये जो लो है 35,000 का, ये लो बैंक निफ्टी ने तोड़ा। 500 पॉइंट उसके नीचे भी गया, लेकिन वापस रिकवरी हुई, शार्प रिकवरी, और 35,000 के ऊपर ही क्लोजिंग हुआ है, जो कि एक काफी अच्छा पॉजिटिव साइन है। हालांकि निफ्टी ने उतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं दिया है। 15,000 के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए था निफ्टी में, तो काफी ज्यादा बेटर होता, इजी हो जाता थोड़ा व्यू लेना। 15,000 के ऊपर अगर होता दोनों इंडेक्स काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोजिंग देते। लेकिन आज हुआ ऐसा है कि बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोज दिया है और निफ्टी अभी भी 15,000 के नीचे ही है। अब हम लोग अगर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखें तो अब थोड़ा सा मार्केट यहाँ से ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ सेलर्स काफी ज्यादा है, 15,150 15,200 के आसपास, और नीचे की तरफ बायर्स काफी अग्रेसिव है, 14,850 और 14,800 के आसपास। सो हमें काफी एक वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल सकता है ये ब्रॉडर रेंज में, 14,800 से लेके 15,200 की रेंज में। मुझे लगता है थोड़ा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बुल्स और बेयर्स के बीच में काफी बड़ी फाइट चल रही है। बायर जो है वो 14,800 के नीचे जाने नहीं दे रहे निफ्टी को, और सेलर जो है वो 15,200 के ऊपर निफ्टी को जाने नहीं दे रहे। ओवरऑल एक 400 पॉइंट का रेंज बन चुका है। अब जो निफ्टी में रेजिस्टेंस आते हैं वो यहाँ पर आते हैं 15,250 के आसपास, 15,150 के आसपास, 15,120 150 के आसपास। जिस तरीके की रैली हमें सेकंड हाफ में देखने को मिली है, कल मॉर्निंग में ये थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। 15,120 15,150 तक निफ्टी जा सकता है। कल के फर्स्ट हाफ में हमें थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है 15,120 तक। लेकिन अगर 15,150 क्रॉस कर लेता है, अगर 15,150 क्रॉस कर लेता है तो और 100-150 पॉइंट की अपसाइड ओपन हो जाती है। लेकिन 15,150 क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल होगा निफ्टी के लिए। ओवरऑल जो रेंज है वो मुझे लग रहा है 14,900 से लेके 15,100, ये 200 पॉइंट के रेंज में निफ्टी वॉलेटाइल हो सकता है आने वाले 1-2 दिन के लिए। तो आपका व्यू यही होना चाहिए 14,900 से 15,100, ये दो लेवल के बीच में वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। बैंक निफ्टी के लिए अभी जो नेक्स्ट हर्डल है वो 35,800 36,000 के आसपास है, मतलब यहाँ से 400-500 पॉइंट और ऊपर जाएगा तब ये रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचेगा। तो 35,800 36,000 के आसपास एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 36,000 भी क्रॉस कर लेता है तो ये 36,500 तक भी जा सकता है, जो कि फ्राइडे का लेवल था जहां से फॉल आया था। लेकिन 36,000 क्रॉस करना काफी मुश्किल होगा बैंक निफ्टी के लिए। ओवरऑल बैंक निफ्टी भी एक रेंज में है 34,800 से लेके 36,000, ये 1200 पॉइंट का रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। ये 1200 पॉइंट के रेंज में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है आने वाले 1-2 दिन के लिए। तो हमें कुछ ऐसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिगजैग वोलेटिलिटी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस है 35,800 36,000 के आसपास, और नीचे में 34,500 34,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। सो आपको वोलेटिलिटी के लिए ट्रेड प्लान करना है, रेजिस्टेंस के आसपास आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है और सपोर्ट के अराउंड आपको बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। निफ्टी भी एक ब्रॉडर रेंज में फंस चुका है 15,150 से लेके 14,900 के बीच में, तो निफ्टी में भी आपको उसी तरीके से प्लान करना है। वोलेटिलिटी के लिए आपको ज्यादा प्लान करना है, 15,120 के आसपास मिलता है तो काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा निफ्टी, और 14,900 के आसपास मिलता है तो काफी अच्छा बाय रहेगा निफ्टी। तो आपको वोलेटाइल सेशन के लिए प्लान करना पड़ेगा आने वाले 1-2 दिन के लिए। और डेली चार्ट पे देखें तो दोनों इंडेक्स ने एक हैमर फॉर्मेशन बनाया है। हैमर फॉर्मेशन एक बुलिश कैंडल होता है, थोड़ा सा जो मोमेंटम है वो भी बायर्स की तरफ शिफ्ट हो चुका है आज के सेकंड हाफ से, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कल के मॉर्निंग में भी हमें थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है और आफ्टरनून में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। सो आने वाले 1-2 दिन के लिए आपको वोलेटाइल सेशन के लिए रेडी होना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। आज मैंने कुछ कैश लेवल्स के ट्रेड्स दिए थे टेलीग्राम चैनल में, ICICI बैंक उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, टाटा स्टील में काफी अच्छा पैसा आया और मदरसन सुमे में भी काफी अच्छा पैसा आया, और एक मैंने एक स्मॉल कॉल बाय दिया था 15,000 का कॉल 90 रुपए के आसपास,
वो 106-105 तक जाके आया, 120 का मेरा टारगेट था। कुछ लोगों ने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था और कुछ लोग टारगेट का वेट कर रहे थे और टारगेट आया नहीं, उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जब ट्रेड फेवर में जाता है तो आप थोड़ा बहुत पार्ट प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लिया करो। अगर 90 रुपए में कोई कॉल दिया और 106-110 हो रहा है तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत पार्ट प्रॉफिट बुकिंग जरूर करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका स्टॉप लॉस है वो थोड़ा बहुत नियर बाय कॉस्ट प्राइस के आसपास अगर लेकर आ जाओ तो आपको लॉस होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी कई बार मेरे वीडियो में बोला हुआ है। तो अगर आप मेरे कॉल्स पे ट्रेड कर रहे हो, जैसे ट्रेड फेवर में जाता है थोड़ा बहुत पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करो और अपना जो स्टॉप लॉस है वो मॉडिफाई कर लो कॉस्ट प्राइस के अराउंड, तो आपको इंट्राडे में लॉस होने के चांसेस भी कम होंगे और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।